नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं ईटी न्यूज भारत। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। खबर जालौन से है, जहां खबर जालौन से जहां इंडियन तंजीम की ओर से सर्दी का प्रकोप देखते हुए गरीबों को तकरीबन 1 सैकड़ा लोगों को कंबल वितरण किए गए, जिसमें एसडीएम उरई और पूर्व चेयरमैन विजय चौधरी व अलीम सर, अब कमेटी प्रबंधक सलीम अहमद एडवोकेट, आफ्ताब एडवोकेट, इसरार खान नेता, शाह आलम और तमाम लोग मौजूद थे, जिसमें गरीबों को कंबल दिया गया। बता दें कि हर साल इंडियन तंजीम की ओर से बांटने वाले कंबल को इस वर्ष भी वितरण किया गया, जिसमें तंजीम के संचालक सलीम अहमद ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इंडियन तंजीम की ओर से कंबल वितरण किए जा रहे हैं और आगे भी इसके कार्यक्रम चलते रहेंगे। और ये 1996 से कार्यक्रम चालू है, इसे मेरे अबू गुलाम मकबूल अहमद खान करते थे। अब वो दुनिया में नहीं रहे, तो उनका काम हमने बखूबी अंजाम दिया और इंशाल्लाह ये आगे भी गरीबों में मदद होती रहेगी और कई मौके पर होती है गरीबों में मदद, जैसे का नाम किसी की शादी है तो उसमें भी हम लोग सहयोग करते हैं। ये हमारी एक पूरी यूनिट है तंजीम की, हमारे पप्पन भाई हैं, आमिर भाई हैं, शाह आलम सूफी हैं और विक्रम सलमान भाई हैं, कई लोग ऐसे हैं, आफ्ताब एडवोकेट हैं, ये सब तंजीम के साथ एकदम जुड़े रहते हैं मजबूती से, जहाँ जिस चीज़ से पड़ती है काम आते हैं। एक सैकड़ा हाँ गरीब किया गया। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और देखते रहें ईटी न्यूज़ भारत।